प्रणाम नमस्कार केम छो डैडी राजकोट राजकोट के डैडी है काकूभाई हरिभाई त्रिकमलाल हेमभाई श्रॉफ तो डैडी का नाम है तो उनका गांव वाला और मैं सब लोग से आशीर्वाद लेके ये पिक्चर करूँगा एंड आई होप आई मेरा डायरेक्टर ने जितना मेरे पर भरोसा किया उसका भरोसा मैं गुजराती में कर सकूँगा गुजराती में बात करी शकूँ छूँ પણ પ્રેક્ટિસ છે નહીં ઘરે એટલે ડેડી છે નહીં અત્યારે ડેડી ગયા છે ઉપર અથવા પપ્પા કે સાથ બેઠકે ગુજરાતીમાં વાત હોતી હતી જબ મેં છોટા થા ઓર મેરે કુછ દોસ્ત લોગે ગુજરાતી મેરી મુંબઈ મેં ઉનસે બાત કરતા હું મોકા મિલા ગુજરાતી પિક્ચર કરને કા 11મી પિક્ચર હે ચલો જબ ભી આયા દેર આયા દુરસ્ત આયા દો એકકા લેકે આયા ઓર ગુજરાતીમાં આપ લોગો કો કોશિશ કરૂંગા કે મેં સહી બાત કરને કી કોશિશ કરૂંગા ટ્રાન્સ मेरे सब भाषा का बैंड बजा हुआ है मगर मैं कोशिश करता हूँ कि सब भाषा में मैं पिक्चर करूँ कि हमारे जितने हिंदुस्तान की भाषा कोशिश करूँगा इतना है कि इतना ज़िंदगी नहीं है मगर भी झुके नहीं आओ जाओ मड़िए बचे लिया ही नहीं और फिर कोशिश भी की कि कुछ दोस्तों को समझाऊँ कि गुजराती पिक्चर शुरू करो करो तो उन लोग समझे नहीं अभी अच्छा है कि अभी तो लाइन लग गया गुजराती फिल्में बहुत बन रही हैं और मुझे इनने लिया है और मापुस्कर के सब्जेक्ट में लिया है मतलब एक इज्जतदार पिक्चर से आऊँ ताकि जब गुजरात में जाऊँ तो मेरे पापा के गांव वाले बोले कह रहे वाह वाह सू छ सू अच्छा है पापा ये 11वीं है दादा 12वीं इंग्लिश होगी 11 એટલે 11 છે 11 2 1 કો सर एक फक्त शेवटचा प्रश्न विचारतो कारण आता रिजनल सिनेमाची ताकद लोकांना कळून आली आहे रिजनल सिनेमामध्ये कथा खूप चांगले असतात आणि गुजराती असो मराठी असो त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल म्हणजे हिंदुस्तान आहे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आहे म्हणतात बॉलिवूड आहेत पण इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीत टॅलेंट खूपच आहेत आणि रिजनल काय आणि ते मला वाटतं नाही देर इज नो रिजन और सच वे आंसू का कलर बदलता नाही आहे आप रोएंगा तो सेम आपका भूख भी सेम आपका हवस भी सेम आपकी सारी बातें सेम खाली जबान अलग है भिड़ू बाकी इमोशन में कोई लैंग्वेज नहीं।